इंदौर शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण में एक के बाद एक चार बार नंबर वन का रिकॉर्ड यूं ही नहीं बनाया। इसके पीछे स्थानीय प्रशासन के साथ साथ इंदौरियंस का जज्बा है, जिन्होंने साफ सफाई को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। जो इंदौर में रहे या फिर शहर से बाहर, लेकिन कहीं पर भी साफ सफाई को नहीं भूलते हैं। ऐसी एक तस्वीर लेह लद्दाख से आई है, जहां इंदौर के साइक्लिस्ट नीरज याग्निक अपनी यात्रा के दौरान कचरा बीनते नजर आए। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और माँ अहिल्या की नगरी इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में एक के बाद एक चार बार नंबर वन का रिकॉर्ड बनाई है, जिसके चलते इंदौर साफ सफाई में न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। इसका मुख्य कारण है स्थानीय प्रशासन के साथ साथ इंदौरियंस का स्वच्छता के प्रति जज्बा, जिसकी वजह से आज देश भर में इंदौर सिरमौर बना हुआ है। यही वजह है कि इंदौर के लोग जहाँ भी जाते हैं, पहले वो कचरा देखकर उसे सही स्थान पर पहुँचा देते हैं। ऐसी एक तस्वीर लेह लद्दाख में देखने को मिली, जहाँ इंदौर के साइक्लिस्ट नीरज याग्निक अपनी यात्रा के दौरान कचरा बीनते नजर आए। इंदौर के साइक्लिस्ट नीरज याग्निक अपनी यात्रा के दौरान मनाली से रोहतांग की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान उन्होंने खूबसूरत रास्ते पर शराब पानी की बोतलें देखकर अपनी साइकिल रोकी और सड़क किनारे पड़ी प्लास्टिक बोतल, पन्नी और अन्य कचरे को उठाकर उसे एक निश्चित जगह पहुंचा दिया, ताकि पर्यटकों को सुंदर सुंदर वादियों को देखने के साथ उन्हें साफ सफाई का संदेश भी दिया जा सके। अपनी यात्रा के दौरान नीरज याग्निक कृषि के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जमकर तारीफ की। याग्निक अब तक लाखों किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर चुके हैं, जिसके माध्यम से वे हमेशा अलग अलग संदेश देते रहते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा भी वे साइकिल से कर चुके हैं। वहीं अयोध्या में बनने जा रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए चांदी की ईंट भी वे इंदौर से अयोध्या साइकिल से लेकर गए थे। तो दोस्तों, आज एक नए सफर पर जा रहे हैं और अभी मैं बेस कैंप में हूँ मिलिट्री के, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं रोहतांग पास, और रोहतांग पास होते हुए सिसु जाने का आज का लक्ष्य रखा है। और थोड़ा कठिन है, दो दिनों का सफ़र सामान्यतः होता ही है, और कोशिश कर रहा हूँ आज इसे पूरा करूँ। और बहुत अच्छा लगा यहाँ, बहुत मज़े आई और बहुत खातिरदारी करी कर्नल साहब ने यहाँ पर हमारी। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम और बोलो जय श्री राम। तो देखा आपने, आखिर इंदौर ने स्वच्छता में देश भर में सिरमौर क्यों बना है। इसकी मुख्य वजह है कि इंदौर के हर नागरिक ने साफ सफाई और स्वच्छता को अपनी दिनचर्या बना ली है, फिर चाहे वो इंदौर में रहे या शहर के बाहर, लेकिन साफ सफाई को लेकर अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।